हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा COVID-19 का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि कक्षाएँ थोड़ा सा प्रभावित हो जा रही हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हमारी जो एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है, 9.1 की जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊँची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। फिगर कैसे ड्रा करते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं। तो एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िए और उसके हिसाब से फिगर को आप ड्रा कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमने माना कि ये हमारा पेडस्टल है, इसके ऊपर कोई क्या है मूर्ति लगी हुई है। चलिए हमने मान लिया इसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 1.6 मीटर, तो ये जो मूर्ति लगी है, मूर्ति की डिस्टेंस कितनी है, 1.6 मीटर है। ठीक है, हमने इसको ए माना, इस बिंदु को बी माना और यहाँ पर सी माना। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर कोई बिंदु ले लीजिए, ये हमारा जमीन का स्थल है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं P। ठीक है, किसी बिंदु P से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति हमारी ये है, इसका शिखर ये है, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद देखिए और आगे क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और ये जो हमारा पेडस्टल है, ये जो हम लोगों ने इसे पेडस्टल मान रखा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया और यही क्या करना है, फाइंड करना है। फिगर हमारा पूरा बन चुका है। ठीक है, अब सीधा इसमें क्या करेंगे, अपना जो मेथड अप्लाई करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है बच्चों, अगर आप ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख सकते हैं तो कोई भी एक आध लाइन मान के आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फिर सीधा आप लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब हो गया कि जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज पी ए बी में, बच्चों ये देखिए ये त्रिभुज क्या है, पी ए बी, हम यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, टेन 45 डिग्री इक्वल, टेन 45 इक्वल हो जाएगा बी ए अपॉन पी ए। टेन 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी ए अपॉन पी ए। अब इधर देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ए, और यही जो है हम लोगों ने क्या माना है, स्मॉल एच माना है।
तो इसे जो है आप समीकरण एक बना दीजिए। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे त्रिभुज PAC में। त्रिभुज PAC यहाँ देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB प्लस BC। बच्चों ये देखिए, ये पूरी दूरी को हम AB और ये BC है, इसको लिख सकते हैं ना भाई। चाहे AC लिखेंगे, AC की जगह पे हमने क्या किया, AB प्लस BC लिख दिया। और यहाँ भी देखिए, हमारा जो यहाँ पे बेस है, आधार ये कितना है, PA है। अब देखिए बच्चों, मान रखेंगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, AB का मान देखिए हम लोगों ने क्या माना है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, ये स्मॉल h है। प्लस BC का मान देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6 मीटर। और यहाँ से देखिए PA की ऊंचाई को h माना है, तो यहाँ भी मान हमने h रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर अपॉन 1 कर लीजिए, ऐसे तिरछा गुणा होगा, तो ये h इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 h। और इधर बचेगा बच्चों h प्लस 1.6। अब इस वाले h को बच्चों हम उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 h माइनस h बराबर 1.6। यहाँ से h हमने क्या किया, दोनों में है कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3 - 1 h बराबर 1.6। तो यहाँ से h बराबर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इधर इंटू में है, इधर आएगा क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस चीज़ का क्या करिए, यहाँ नीचे √3 - 1 आ रहा है, तो इस मान का क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करते वक्त चीज़ें क्या रखते हैं, चीज मेथड वही रहेगा, मतलब चीज़ें वही होती, बस ये अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेकर ऊपर नीचे इसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आप इधर आके देखिएगा, h बराबर मान हो जाएगा बच्चों 1.6, यहाँ पे √3 - 1 हमने यहाँ पे इंटू लगाया, यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, अपॉन में हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 √3 + 1 अपनी जगह पे, ये वाला इसके साथ गुणा हो रहा है, ये वाला हमारा क्या होता है, a - b a + b का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक ब्रेकेट में a - b हो, दूसरे में क्या हो, a + b हो, तो वो क्या हो जाता है, a² - b² होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो जाएगा √3 - 1 2। तो यहाँ से h बराबर देखिए बच्चों क्या आएगा, 1.6 √3 + 1। यहाँ से देखिए बच्चों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाता है, ये बचेगा 3 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो h बराबर मान आ जाएगा 1.6 √3 + 1। और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, इस 2 से इसमें जब भाग दे देंगे, ऐसे देखिए बच्चों 1.6 है, हम इसमें 2 से भाग देने जा रहे हैं, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के दशमलव लगा दो, अब चला जाएगा 2 8 16। ठीक है, ये ऐसे कैंसिल होगा। और दूसरा मेथड अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे दिया है 1.6 अपॉन 2 से भाग देना है, दशमलव को रिमूव करने के लिए क्या करो, 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, तो ये वाला हो जाएगा, जब 10 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, ये बचेगा 16, यहाँ हो जाएगा 20। अब जो है, अब 20 से भाग दे दो 16 में, 20 से जब 16 में भाग दे दो नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 160 हो गया। अब 20 अट्ठे क्या होता है, 160 होता है। इस तरह से ये चीज़ें आ गया, मान क्या आएगा, 0.8 आएगा। हमने इसका गुणा इसमें किया, बाकी ये 1.6 में 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 0.8 और यहाँ ब्रेकेट में बचेगा √3 + 1। ठीक है, इसे लिख दो मीटर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहाँ लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई
0.8 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3+1 मीटर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए, गणित को समझने के साथ थोड़ा आप अपने से भी प्रैक्टिस किया करिए ताकि आपका अभ्यास निरंतर बना रहे। ठीक है, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिए, उसका फिगर अच्छे से बनाया करिए, उसके बाद आप जो है लगाइए। और कहीं भी एक भी चिन्ह गलत हुआ तो आंसर को क्या आना है, गलत आना है। ठीक है, इसीलिए जो है शुरुआत आप थोड़ा अच्छे से करिए। आप लोग देखते होंगे मैं क्वेश्चन को जो है काफ़ी बारीकी से पढ़ता हूँ। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट आ जाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमने क्या किया, इधर हमने ले लिया मीनार, ये है बच्चों मीनार है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मीनार की कितनी ऊंचाई है, 50 मीटर। ठीक है, कितनी है ये मीनार, 50 मीटर ऊंची है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। फिर क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है, ये इसका पाद बिंदु ही है, इसका क्या है, शिखर बिंदु है। तो यहाँ से देखिए, इस मीनार के पाद बिंदु से जो है कोई भवन ले लीजिए, सपोज दैट मान लिया कि हमने यहाँ पे क्या है, इस साइड ये भवन है, इसका नाम हमने दे दिया बी सी। इसके पाद बिंदु से जो भवन के शिखर का कोण है, ये बच्चों दिया है क्वेश्चन में 30 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद भवन के पाद बिंदु से जो मीनार का उन्नयन कोण है, ये कितना दिया है बच्चों, 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री दिया हुआ है। थोड़ा सा आप बात समझिए, फिगर ड्रा करते समय कभी आप ऐसा मत करिएगा कि भवन की ऊंचाई ज़्यादा कर दीजिए, मीनार की ऊंचाई कम कर दीजिए। या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मीनार तो हमेशा ऊंची होगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एंगल पे आप ध्यान देंगे, जब देखिए मीनार के यहाँ से अगर एंगल बनेगा, जैसे सपोज दैट हम कहें कि इस बिंदु से कोई एंगल जो है इसे झुका के हम बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ऊंचाई होगी ये कम होगी। लेकिन अब ऐसे इसी बिंदु से अगर हमने कोण बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, भवन के बिंदु से क्या है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इधर से कोण ज़्यादा बन रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि ये मीनार हमारी ऊंची है, जो भवन का आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, इससे कम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है। ठीक है, हमने इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया बच्चों, ये मान लिया स्मॉल एच मीटर, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए हमारे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, अगर इधर से ध्यान दें तो यहाँ पे एक बनेगा ए बी सी और एक क्या बन रहा है, बी ए। यहाँ पे बच्चों हमने बिंदु थोड़ा गलत ले लिया, इसको आप जो है बना लीजिए सी डी ले लीजिए। हमने क्या किया था, बी यहाँ भी लिया था, बी यहाँ भी ले लिया था, ये सब क्या है, कॉमन इधर है, जो किसी से भी हो सकती है। तो अभी नज़र में आ गया, हमने इसको सही कर दिया है, ये बिंदु हमने डी मान लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज सी ए बी में इतना लिखने के बाद सीधा लिखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार त्रिभुज सी ए बी में, ये बच्चों सी ए बी, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ से हमने अप्लाई किया टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। टेन 60 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, अंडर वुड 3 होता है। ए बी का मान क्वेश्चन में दिया है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर, ये हमने यहाँ पे 50 रख दिया। और ए सी, अब यहाँ से देखिए बच्चों, ए सी बराबर अगर हम लोग लिखें इसको अपॉन में 1 कर लीजिए, करके ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 50 और ये आ जाएगा अंडर वुड 3। इसे जो है समीकरण 1 बना दीजिए। अब बच्चों इधर ध्यान दीजिए, अब जो है त्रिभुज ए सी डी में, ये ले रहे हैं बच्चों ए सी डी में हमने अप्लाई किया टेन 30 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ये इसका लंबाई, ये इसका आधार है, ये हो जाएगा डी सी अपॉन ए सी। तो बच्चों टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे देखिए डी सी का मान जो है, जो भवन है उसकी ऊंचाई को हमने h मान रखा है, और ए सी का मान जो आया है बच्चों ये आया है 50√3, इतना है। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। अभी जब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए कैसे हो रहा है 1/√3 समझिए, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, h है ये अपॉन है, फिर ये आप सीधा इसको लिखो इनटू लगाओ, ये वाली चीज़ें उल्टा करके लिख दो, ये हो जाएगा √3/50। तो कहने का मतलब ये इस रूप में आ गया 1/√3 बराबर h √3/50, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 50 त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h हो जाएगा। तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 50/3, ठीक है। अब इसी चीज़ को बच्चों अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो ऐसे 3 से जब हम 50 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, यहाँ बचेगा 2, 0 बढ़ाया 3 × 18, यहाँ पे आया 2, क्या आया शेष आया। तो इस चीज़ का रूप हम क्या लिख सकते हैं, जो शेष होता है उसको आप ऊपर लिख दो, जिससे भाग दिए उसको क्या करो आप नीचे लिख दो, और जो बाहर आता है उसको आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया एच बराबर आ गया 16 से ही 2/3 मीटर, ठीक है। अगर यही आंसर बच्चों आपको डेसिमल में लिखना हो तो डेसिमल का फॉर्म बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप शेष ना लिखो, इसमें आप क्या करो 2 आ रहा है या दशमलव लगाओ, 1 0 फिर बढ़ा दो, फिर आ जाएगा 3 × 18, फिर घटाओगे 2 आएगा, दशमलव एक बार लगाओ, 0 फिर बढ़ा दो, 3 × 18, तब ये ऐसे कटेगा नहीं, चलता चला जाएगा। तो हम सीधा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एच बराबर 16 दशमलव, भाई इधर के देखो 6 क्या हैं, 5 या उससे बड़े हैं, तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला इसको आप 7 कर दो, 16.67 मीटर, ये भी आप आंसर क्या कर सकते हैं बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ बच्चों हमारा सॉल्व हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमारा आंसर आया था यही क्या हो गई, भवन की ऊंचाई हो गई। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले एक सड़क बना लिया, चलिए ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये हमारी सड़क हो गई,
ये कितनी है 80 मीटर है इसकी चौड़ाई, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। अब ये सड़क के किनारे क्या है बच्चों, चलिए हमने यही मान लिया कि यहाँ पे क्या है समान लंबाई के खंभे लगे हैं, तो लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक खंभा हमारा हो गया ए बी और दूसरा खंभा क्या हो गया सी डी। फिर देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क ये 80 मीटर जो चौड़ी सड़क है इसके किसी बिंदु से क्या है कि उस बिंदु से जो इसके जो खंभे हैं, खंभे के शिखर जो हैं उसके उन्नयन कोण कितने हैं, क्रमशः 60 डिग्री हैं और 30 डिग्री हैं, ठीक है। हमने चलिए मान लिया कि बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो इधर क्या है एक तरफ क्या बन रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है उसके खंभे के शिखर से, दूसरे तरफ बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का, ठीक है। ये कोण मान लीजिए कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई बताना है और ये जो बिंदु है इस बिंदु से कौन सा खंभा कितनी दूरी पे है ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, माना दो खंभे ए बी तथा सी डी है, ए बी तथा सी डी है जिनकी ऊंचाई समान है, ठीक है। फिर लिखेंगे खंभों की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर माना तथा खंभे ए बी की दूरी, खंभे ए बी की दूरी बिंदु से एक्स मीटर है। तो हमने क्या किया बच्चों, खंभे की ऊंचाई को h मान लिया, तो ये खंभा हमारा क्या है इधर h हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो दोनों की ऊंचाई क्या है सेम है। दूसरी चीज़ क्या माना कि जो हमारा खंभा ए बी है इसे आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो तो इसे खंभा लिख दो, इधर भी खंभा लिख दो, उसके बाद जो है ये सड़क लिख दो 80 मीटर सड़क, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या किया बच्चों, एक्स मान लिया, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे जो बिंदु है बिंदु को हमने P नाम दे दिया है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लिया, टोटल 80 है, तो यहाँ पे यहाँ की जो दूरी होगी 80 में से x घटा देंगे वही बचेगी ना, तो ये फिगर हमारा बन गया, ठीक है। और सारी डाटा भी हमने लिख दिया, अब 1 by 1 करके चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, त्रिभुज फिर आगे लिखिए सीधा प्रश्नानुसार त्रिभुज पी ए बी में, यहाँ देखिए बच्चों पी ए बी, ठीक है भाई। यहाँ देखिए ये 90 बन रहा है और ये भी क्या है खंबा भाई, सीधा खड़ा होगा ना, टेढ़ा थोड़ी खड़ा होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे टेन 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में पी ए, टेन 60 डिग्री का मान बच्चों √3, ए बी को हम लोगों ने स्मॉल एच माना है और पी ए को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग यहाँ से एक्स बराबर लिख सकते हैं एच अपॉन √3, समीकरण एक बना दो, ठीक है। इसके बाद जो है आप इधर चले जाओ थोड़ा सा, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज पी सी डी में, त्रिभुज पी सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे सी डी हो जाएगा अपॉन में पी सी हो जाएगा, टेन 30 का मान कितना होता है 1 by √3 होता है, और सी डी का जो मान है आप देखिए सी डी का मान क्या है एच ही हमने माना है, ये एच हो जाएगा
और पी सी का मान देखिए बच्चों ये क्या है, 80 माइनस एक्स है, यहाँ पे हम रख देंगे 80 माइनस एक्स। सीधा हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस सी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 एच। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x का मान क्या करिए, समीकरण एक से रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण एक से x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 80 माइनस एच अंडर रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 एच। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली चीज़ें इधर माइनस में उधर कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 बराबर अंडर रूट 3 एच प्लस एच अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ देखिए बच्चों 80 बराबर हो जाएगा, अब इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे इसका गुणा इसमें होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, जब अंडर रूट थ्री का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3h प्लस एच अपॉन में अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। इधर देखिए 3h और 1h मिलकर हो जाएगा 4h और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब बच्चों इधर देखिए कैलकुलेशन, अंडर रूट 3 का गुणा 80 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 बराबर 4h, तो h बराबर हम लिख सकते हैं 80 अंडर रूट 3 और यहाँ से बच्चों 4, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया, 20 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया मीटर, ये हमारी क्या h हमने क्या माना था, खम्भा जो था उसकी क्या थी, ऊंचाई थी, उसको हमने माना था, इसका मान आ चुका है। अब जो है h का मान आप रखो जो है समीकरण एक में, तो हम यहाँ से लिखेंगे h का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ से देखिए बच्चों समीकरण एक में देखिए x बराबर क्या दिया है, x बराबर h अंडर रूट 3 है, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो इसलिए अब देखो हम लोग लिखेंगे अतः देखो अब अतः में क्या करेंगे, सारा एनालिसिस लिख देंगे, सीधा लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर कितना आया है बच्चों, 20 अंडर रूट 3 मीटर। फिर उसके बाद सीधा लिखेंगे बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः, भाई 80 मीटर लंबा खंभा है, एक खंभे की दूरी कितना है इधर से 20 मीटर, तो उधर कितना बचेगा, 80 में से 20 घटा दो क्या बचेगा, 60, तो सीधा आप लिखेंगे 20 मीटर तथा 60 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ आपका, सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है, और समझने के पर्पज़ से हम आपको क्वेश्चन कम करा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं 5-6 क्वेश्चन अगले 2 लेक्चर में क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे, और इस प्रकार क्या होगी, हाइट और डिस्टेंस हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ यूं ही बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।